हेलो गाइस, आज हम लोग एक ऐसी आंटी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपको बताएगी कि आपकी शादी किससे होगी। तो चलते हैं वीडियो में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आने वाली आंटी से आप खुद समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। पढ़ते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार आंटी। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे ना? हाँ आंटी, समझ गए हम लोग कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो क्या बता दूँ? नहीं बताइए आंटी, क्योंकि हम लोग समझ गए। तो हाँ, बता ही देती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी शादी किससे होंगी। क्यों, चौंक गए क्या? यकीन नहीं हो रहा? बाप रे, हम तो चौंक गए आंटी। तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए। मैं 100% गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि आपकी शादी किससे होंगी। आंटी ऐसे गारंटी लेती है कि पानी भी शुद्ध प्योरीफायर से, इतनी गारंटी नहीं देती प्योर होने की। तो इसके लिए मैं सिंपल 4 स्टेप का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो भाई, ये सभी स्टेप केयरफुली फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आंटी के 4 स्टेप्स में और जानते हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है। आंटी बहुत स्लो है, तो आंटी को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। आंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? स्टेप नंबर 1। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर सीरियल नंबर अनुसार ए सी जेड तक के अल्फाबेट आए हैं, तो आप वह सीरियल नंबर अनुसार लिख लीजिए। स्टेप नंबर 1 में आंटी हमें ए बी सी डी से लेके जेड तक की क्रम संख्या बताती है कि वो किस क्रम में आता है। उस अनुसार हमें याद रखने को, मतलब याद नहीं लिखने को कहती है। स्टेप नंबर 2। दोस्तों, आपका जो भी नाम होगा, आप वह इंग्लिश के अल्फाबेट के सीरियल नंबर अनुसार लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई मेरा नाम मीरा है, तो मैंने इंग्लिश के अल्फाबेट के सीरियल नंबर अनुसार मेरा नाम ऐसा लिखा। देखिए, यह यहाँ 13 नंबर पर है, तो मैंने यहाँ 13 लिखे। आ यह 9 नंबर पर है, तो मैंने यहाँ 9 लिखे। आ यह 18 नंबर पर है, तो मैंने यहाँ 18 लिखे। और यह 1 नंबर पर है, तो मैंने यहाँ 1 लिखा। दोस्तों, ध्यान रखें, यहाँ पर आपको अपने नाम को ही इंग्लिश के अल्फाबेट के सीरियल नंबर अनुसार लेने का है, मेरे नाम को नहीं, नहीं तो आपका जवाब गलत भी हो सकता है। अब दूसरे स्टेप में कहती है आंटी कि आपका जो नाम है, उस नाम के अल्फाबेट्स के अनुसार अपने नाम को लिख लीजिए। चलो इसी अनुसार हम भी लिख लेते हैं। मेरा नाम अभी है, तो ए से 1 नंबर, बी 22वां नंबर पे आ रहा है, आई 9वां नंबर पे, आई 9वां नंबर पे, तो इसी अनुसार लिख लिए 1 2 2 9 9। स्टेप नंबर 3। दोस्तों, आपने अपना नाम सीरियल नंबर अनुसार ले लिया ना, अब उसे नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कीजिए। जैसे फॉर द एग्जांपल, मेरा नाम सीरियल नंबर अनुसार इस प्रकार है, तो अब हम उसे नेक्स्ट डिजिट में। कौन से डिजिट में आंटी? नेक्स्ट डिजिट में। नेक्स्ट डिजिट में इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, 13 यह 2 डिजिट में है, तो हम उसे 1+3 करेंगे, तो वो हो जाएंगे 4। 9 यह सिंगल है, तो 9 जैसे के वैसे लेंगे, तो 9 के 9। 18 यह 2 डिजिट में है, तो हम उसे 1+8 करेंगे, तो वो हो जाएंगे 9। और लास्ट 1 सिंगल है, तो जैसे के वैसे लेंगे, तो 1 का 1 लिखेंगे। दोस्तों, स्टेप नंबर 3 जरा केयरफुली फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आपका जवाब गलत भी हो सकता है। अच्छा, डिजिट में उसे कन्वर्ट करना है, एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है आंटी, मेरा भी 22 नंबर पे आता है, तो मैं इसे ऐड कर दिया, तो ये टोटल 4 हुआ, मतलब अब मेरा डिजिट 1 4 9 9 हुआ। दोस्तों, स्टेप नंबर 4 जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी आंटी, यह स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो गया दिल्ली, इस स्टेप का काफी इम्पोर्टेंस है। नहीं नहीं इम्पोर्टेंस है, ठीक है आंटी। दोस्तों, अब आपके नाम में कितने लेटर आते हैं वह देखिए, और आपका जो भी जवाब आया होगा, तो उसके प्रत्येक नंबर में, यानी हर नंबर में वह लेटर प्लस कीजिए।
दोस्तों अब आपके नाम में कितने लेटर आते हैं वह देखिए और आपका जो भी जवाब आया होगा उसके प्रत्येक नंबर यानी हर नंबर में वह लेटर प्लस कीजिए। जैसे फॉर द एग्जांपल देखिए मेरे नाम में 4 लेटर आते हैं तो मैंने मेरे आए हुए जवाब के प्रत्येक नंबर में 4 प्लस किए। दोस्तों ध्यान रहे यहाँ पर लाभ के नाम में जितने लेटर आते होंगे तो उतने ही लेटर आपके आए हुए जवाब के हर नंबर में प्लस कीजिए, मेरे जवाब में नहीं। जैसा आप कहो, मेरा जो नाम है अभी है उसमें 4 डिजिट आता है और मैं सबको 4 से जोड़ दिया, 5 तो 8 13 13 हो गए। अब रिजल्ट की बारी, देखते हैं आखिर कौन है वो शख्स। शायद आंटी तो उसका नाम बताएगी क्योंकि उन्होंने कहा। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी शादी किससे होगी, तो भाई ध्यान से सुनिएगा, वो भी हेडफोन लगाकर सुनिएगा। आंटी मेरे पास हेडफोन नहीं है इसीलिए मैं ईयरफोन लगा के सुनूंगा। दोस्तों अब आपके जो भी नंबर आए हैं वह अल्फाबेट में देखिए कि कहां पर है। जैसे मेरा जवाब 8 13 13 5 आया था तो देखिए अल्फाबेट में 8 नंबर पर यह जाता है और 13 नंबर पर यम आता है। तो उसी प्रकार आप अपने नंबर अल्फाबेट में देखिए कि कहां पर आते हैं। तो दोस्तों आपकी शादी उनमें से किसी भी एक लेटर के नाम से शुरू होने वाले व्यक्ति के साथ हो सकती है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। मेरा जवाब 5 5 में ई कई नाम होगा था, फिर आया था 8 8 है एच पता नहीं, फिर आया था 13 13 मतलब एम पता नहीं कौन है। आंटी तो बोली थी मैं नाम बताऊंगी मगर इन्होंने तो हमें तो धोखा दे दिया, इन्होंने अल्फाबेट बता दिया, ये नाम होगा। तो आंटी मैं भी बताना चाहूंगा कि आपका जो भी लवर होगा उसका नाम ए से लेके जेड तक के बीच में होगा। यदि दोस्तों आप में से किसी को लगता होगा कि मैंने गलत बताया है तो भाई जिस दिन भी आपकी शादी होगी या हो चुकी है तो आप अपने पार्टनर से ही पूछिएगा ना कि तुम्हारा नाम या उपनाम इस लेटर से शुरू होता है या नहीं, तो उनमें से एक ना एक लेटर तो मैच हो ही जाएगा ना। नहीं आंटी, आपने तो पूरी तरह से हमें मूर्ख बनाया है, आपने नाम कहकर अल्फाबेट बताया है। आंटी तो यहाँ खेल गई। मतलब बहुत मस्त है आंटी है, मतलब कुछ भी बोल देती है। किसी का शादी किससे होगा आंटी को बहुत पता है। आंटी के YouTube चैनल में आपको इसी तरह की वीडियोस भी मिलेगी जहाँ आंटी हर एक चीज़ बताते रहती है कि आपकी शादी किससे होगी, आपके बच्चे का नाम क्या होगा। आंटी अंतर्यामी है, आंटी को तो सब कुछ पता है। आंटी का चार्ज लगता है इतना रुपए में, आंटी इतना बताएगी मगर आंटी फ्री का ज्ञान बांट रही है, तो चलो हम भी ज्ञान लेते हैं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।